नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रियलमी जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में, और ये पॉपुलर हुआ है इसकी प्राइसिंग के कारण, क्योंकि कम प्राइस में ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देते हैं। और जब रियलमी का फर्स्ट फ़ोन रियलमी 1 लॉन्च हुआ था, तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम प्राइस में आपको इतने सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और तभी से स्टार्ट हो गया था रियलमी पॉपुलर होना, और उसके बाद भी जो 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं, रियलमी C1, रियलमी 2 या फिर रियलमी 2 प्रो, इन तीनों ही फ़ोन्स की प्राइसिंग भी काफ़ी अग्रेसिव रखी गई है। तो नो डाउट रियलमी इसी के लिए जाना जाता है कि कम प्राइस में आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम बदल रहा है, क्योंकि रियलमी ने स्टार्ट कर दिया है अपनी प्राइसिंग बढ़ाना। जी हाँ, रियलमी C1 और रियलमी 2 का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, और बाकी जो 2 मॉडल्स हैं इनकी भी बड़ी हुई प्राइस आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इनकी प्राइस क्या होने वाली है बढ़ने के बाद, और प्राइस बढ़ने के बाद भी क्या यह फ़ोन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और आज हम बात करने वाले हैं वेरिएंट वाइज, मींस ये वेरिएंट कितने का होगा, तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि टैग वीडियोस हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते हैं, और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको बताते हैं जो रियलमी के 4 फोन्स हैं जिनका प्राइसिंग कुछ मॉडल्स का बढ़ चुका है और कुछ मॉडल्स का बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है, तो क्या प्राइस होगा इनका आफ्टर अपडेट, और क्या यह फ़ोन आपको लेने चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं रियलमी C1 से। जी हाँ, रियलमी की तरफ से ये एंट्री लेवल फ़ोन है, जहाँ पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट, 2GB रैम, 16GB का स्टोरेज, 6 inches का स्क्रीन साइज, ड्यूल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल का, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। पहले इसका प्राइसिंग था 6999, तो 6999 के अकॉर्डिंग मतलब 7000 रुपये में आपको मिलता था स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट। हालांकि रैम 2GB और 16GB स्टोरेज मिलता था, तो रैम और स्टोरेज कम था, लेकिन जो चिपसेट था वो ठीक ठाक था इस प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इसका अपडेटेड प्राइस हो गया है 7999, मतलब 8000 रुपये। तो इस प्राइस में आपको 2GB का रैम, 16GB का स्टोरेज मिलेगा, तो ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगती है। जी हाँ, यह फ़ोन 8000 रुपये की प्राइस में आपको दे रहा है 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो गया है। जी हाँ, 7000 रुपये तक था तब हम समझ सकते थे कि 2GB रैम, 16GB स्टोरेज आपको इसमें मिलने वाला है, लेकिन अब 8000 रुपये की प्राइस में आपको कुछ और ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 3GB रैम, 32GB का स्टोरेज, फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, ड्यूल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये फ़ोन आपको रिकमेंड किया जा सकता है इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन जब तक ये फ़ोन 7000 रुपये की प्राइस में था, तो हमने इसका रिव्यू भी किया था, नो डाउट 7000 रुपये की प्राइस में इससे अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता था। लेकिन 8000 रुपये की प्राइस में, या तो फिर आप 1000 रुपये और ऊपर बढ़ा लीजिए, इसी का आपको दूसरे मॉडल देखने को मिल जाते हैं, या फिर और दूसरे ब्रांड के फ़ोन अवेलेबल हैं जो कि आपको 3GB रैम, 32GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यह फ़ोन अब रिकमेंडेड नहीं है 7999 रुपये की प्राइस में। इसके बाद आता है रियलमी 2। जी हाँ, इस फ़ोन में भी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज के साथ में स्टार्टिंग मॉडल आता है, जिसका अपडेटेड प्राइस है 9499, जबकि पहले इसका प्राइस था 8999, मतलब 500 रुपये अपडेट किए गए हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग भी। तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि यह एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी ऐसा देखने को मिल जाता है, जो स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट है, ठीक ठाक सा चिपसेट इस प्राइस के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और बाकी चीज़ों की, तो ड्यूल ईयर कैमरा सेटअप भी मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, फेस अनलॉक भी है, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो डिसेंट फ़ोन है, जो कि आपको मिल रहा है 9499 रुपये की प्राइस में। तो इस फ़ोन को मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसका 3GB रैम और 32GB वाला स्टोरेज आप ले सकते हैं प्राइस बढ़ने के बाद भी। लेकिन अगर हम इसी में बात करते हैं 4GB रैम और 64GB स्टोरेज की, जो कि आपको मिलता है 10999 रुपये की प्राइस में। हालांकि इस पर कोई भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया गया है, पहले भी यही प्राइस था, लेकिन पहले भी मैंने आपको ये वाले फ़ोन 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के साथ में कभी सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि 11000 रुपये की प्राइस में फिर आपको स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट देखने को मिलता है, तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन वो फ़ोन अभी भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। तो रियलमी 2 अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसका जो 3GB रैम, 32GB वाला वेरिएंट है, वो आप ले सकते हैं। नो डाउट 500 रुपये प्राइस ज़रूर इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन अभी भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन 4GB रैम, 64GB स्टोरेज लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसके बाद आता है रियलमी का फर्स्ट फ़ोन, जो कि है रियलमी 1। जी हाँ, सबसे पावरफुल डिवाइस मेरे को अभी तक का यही लगा है, जो कि सबसे पहले लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 वेरिएंट, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, जो कि आता है 8990 रुपये की प्राइस में,
4GB रैम 64GB स्टोरेज जो कि आता है 10,999 में, और जो इसका तीसरा वेरियंट है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि आपको मिलता है 13,990 रुपये की प्राइस में। यहाँ पर अभी इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इसका प्राइस इन फ्यूचर बढ़ता है तो ये हो जाएगा करीब 1,000 रुपीज़ इंक्रीज़। कहने का मतलब यह है कि 8,990 रुपये वाला फ़ोन आपको मिलेगा 9,990 रुपये में, 10,990 वाला फ़ोन आपको मिलेगा 11,990 रुपये में, और जो 13,990 रुपये वाला फ़ोन है जो कि आपको मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वो आपको मिलेगा लगभग 14,990 रुपये में, मतलब कि 15,000 रुपये की प्राइस में। तो इन तीनों ही वेरिएंट, जी हाँ 3GB रैम 4GB रैम और 6GB रैम, ये तीनों ही वेरिएंट अभी भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। आप इसको आँख बंद करके ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसका प्राइस 1,000 रुपये भी बढ़ाया जाएगा तो ये कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, और मुझे लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में इससे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो Realme 1 का 3GB रैम हो या 4GB रैम हो या 6GB रैम हो, तीनों ही फ़ोन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हैं अभी तक भी। और उसके बाद आता है Realme का सबसे हाईएस्ट मॉडल जो कि है Realme 2 Pro। जी हाँ, इस फ़ोन का बेस वेरिएंट अभी भी आपको मिल रहा है 13,990 रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। हालांकि इसका प्राइस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका प्राइस आपको अपडेट देखने को मिलेगा, जहां पे इंक्रीमेंट होगा 1,000 रुपीज़ का। जी हाँ, ये 13,990 रुपये की जगह आपको मिलेगा 14,990 रुपये की प्राइस में, और जो इसका दूसरा विंड है 6GB रैम 64GB स्टोरेज, उसका प्राइस अभी है 15,990 रुपये, जबकि अपडेट होने के बाद हो जाएगा 16,990 रुपये का, मतलब 17,000 रुपये का। और जो इसका तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका करंट प्राइस है 17,990 रुपये, और वो हो जाएगा 18,990 रुपये की प्राइस में। तो क्या यह फ़ोन प्राइसिंग इंक्रीज़ होने के बाद भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या फिर नहीं? तो अगर मैं बात करता हूँ 4GB रैम और 6GB रैम वेरिएंट वाले की, क्योंकि 4GB रैम प्राइस अपडेट के बाद आपको मिलेगा 14,990 रुपये की प्राइस में, तो नो डाउट अभी तक भी ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो 15,000 रुपये की प्राइस में मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इस फ़ोन को दिक्कत आने वाली है। अगर हम बात करते हैं 6GB रैम 64GB स्टोरेज की, तो उसका प्राइस हो जाएगा 17,000 रुपये, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 17,000 रुपये की प्राइस में कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उन पर भी जाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप उन फ़ोन को ले सकते हैं 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, अगर आप लेना चाहें 16,990 रुपये की प्राइस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की, जिसका करंट प्राइस 17,990 रुपये है, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया था उस फ़ोन को 18,000 रुपये की प्राइस में। लेकिन जब 19,000 रुपये की प्राइस में वो फ़ोन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। जी हाँ, 19,000 रुपये की प्राइस में बहुत सारे ऑप्शन और भी देखने को मिल जाते हैं, और इस फ़ोन में कुछ कमियां हैं जो कि 19,000 रुपये तक के लायक ही नहीं है। हाँ, 15,000, 16,000, 17,000 रुपये तक आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। तो इसका जो 8GB वाला वेरिएंट है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप 4GB और 6GB रैम वेरिएंट वाला ऑप्शन लेना चाहें प्राइस इंक्रीज के बाद भी, तो आप ज़रूर ले सकते हैं, कहीं से भी आपको इश्यू देखने को नहीं मिलने वाला। तो चलिए, यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।